कैसा लगा इस कार्यक्रम को देखकर? हम लोग का कार्यक्रम पावर स्टार पवन सिंह जी का, दिल से बताइए, अगर अच्छा लगा है तो बताइए। बहुत बढ़िया। कहाँ सुने थे इसके पहले? थाना मोड़। कब? सुबह में। तो चलिए एक बार हो जाओ, हो जाए तो एक बार जोरदार ताली अपने सम्मान में आप लोग लगा लेंगे सभी लोग। अरे भैया अपने खतरे करिए, अपने नाम से ताली। ठीक बा कि चुनावी बयार का मजा लीजिए, अरे चुनावी बयार का मजा लीजिए, पवन सिंह जी को यहाँ से जिता दीजिए, पवन सिंह जी को यहाँ से जिता दीजिए, कैची के निशांत बटन दबा दीजिए, कैची के निशांत बटन दबा दीजिए। एक बार आप सब अपने नाम पे ताली बजा लीजिए। देखिए वक्त कम है, जितना दम है लगा लीजिए। कुछ लोगों को मैं जगाता हूँ, कुछ लोगों को आप जगा दीजिए, और आने वाले चुनाव के दिन कैंची छाप के निशान पे बटन दबा दीजिए और पावर स्टार पवन सिंह को यहाँ से सांसद बना दीजिए। सिर्फ शायरी तक बात नहीं है भैया, ये इंसान एक ऐसा पवन सिंह इंसान है जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, दिल में जज्बा है कैसे कलाकार का विकास हो। क्यों हो वो भी शायरी के अंदाज में बताएंगे कि आज के इस राजनीति में दो तरह के लोग आते हैं, एक वो आते हैं जो सरकारी पैसा का घोटाला करते हैं, एक वो आते हैं जो आप भोली भाली जनता का खून चूसते हैं। मगर पहली बार एक ऐसा नेता नहीं बेटा बनकर आया है, इस क्षेत्र का लाल बनकर आया है, जिसकी मां ने उन्हें सौंप दिया है काराकाट के लिए कि बेटा आज से मैं काराकाट लोकसभा के जनता के बीच तुम्हें समर्पित करती हूं। और वो एक ऐसा बेटा है उन सैकड़ों हजारों लाखों मां का प्रेरणा बनकर अपने मां के लिए काराकाट की तमाम जनता की मां को अपना मां मान लिया है और चुनावी मैदान में कूद गया है। दिन के 12 बजे चाहे रात के 2 बज जा रहे हैं, पवन सिंह के गांव में एक लोकसभा में जाकर आशीर्वाद ले रहे हैं। 2 दिन पहले उनकी तबीयत खराब हो गई थी सुबह 6 बजे से, भैया सच बता रहे हैं। अगर वो यहां पर अभी नहीं आ पाए तो हम लोग आए उनकी आवाज बनकर, पैसा रुपया हम लोग नहीं ले रहे भैया। दिल में जज्बा की एक कलाकार है, उसका सम्मान होना चाहिए। कोई लोग नचनिया बजनिया बोलता है, उन्हें हक नहीं है चुनाव लड़ने का, बताइए भैया। बिल्कुल लड़ सकते हैं कि नहीं? वो भी एकदम लड़ सकते, हर आम आदमी चुनाव लड़ सकता है और उनको समर्थन मिल रहा है भैया। कौन माधव चंद बोल रहे हैं नहीं नहीं देखिए चलिए आप भावना में बोल दिए हैं, मगर मैं क्षमा चाहूंगा, बड़े भैया एक भावना में बोले हैं। चलिए एक बार आप लोग जोरदार ताली बजाइए, एक और गीत सुनाता हूँ आप लोग को। अरे काका की चाचा चाची बाती रखी हो ख्याल, ताली बजाकर आई कारा काट तो हर पवन मां मांगेला घूमे घूमे आस, ताली बजा दो भैया तब लगे घूमे आशीर्वाद मांगेला घूमे घूमे आशीर्वाद मांगेला घूमे घूमे मांगेला घूमे घूमे आशीर्वाद मांगेला घूमे घूमे। काराकाट की जनता चाहे पवन सिंह ही जीत के आए, ये दिल में सभी के बसते खुल जाए तरक्की के रास्ते, धोखेबाजों के झांसे में हम सबको नहीं आना है। देखे भैया साउंड नहीं है हमारे पास, उतना बड़ा मशीन नहीं है, धीरे बज रहा है तो आपका ताली साज। अरे पवन जी को मिलकर यहाँ से सांसद बनाना है, धोखेबाजों के झांसे में हम सबको नहीं आना है, पवन सिंह जी को यहाँ से सांसद बनाना है, कैची छाप के निशान पर मोहर लगाना है, बटन दबाना है। पवन सिंह कहते हैं कि कोरा कागज के चांद बनाने वाली हम नहीं, पवन सिंह कहते हैं कि कोरा कागज के चांद बनाने वाली आज जमी के आसमान बनाने वाली हम जानत नहीं है, जनता सब आप लोग हमार बानी और हमरे रहम, यही से काराकाट के तमाम जनता के भगवान बनाने वाली, भगवान बनाने वाली कि भगवान बड़ी फुर्सत से। ये गीत पवन सिंह जरूर गाए हैं मगर वो काराकाट के लिए बने हुए कि पवन भैया के बनौले बारे, और कहा जा रहा भैया अरे सबका जुबान पर एक ही गुना, एक बार हाथ उठाई भैया सभी लोग हाथ उठाकर भैया और ताली बजाकर, अरे सबका जुबान पे एक ही गुना पवन भैया जिंदाबाद
सबका जुबान पे कहीं गुलाम पावन भैया जिंदाबाद। सुना हो चाचा चाची हो रख दिया हथवा पे हाथ। भैया मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सच्चा देशभक्त होने के लिए हिंदू होना जरूरी है, सच्चा देशभक्त होने के लिए मुसलमान होना जरूरी है, अरे सच्चा देशभक्त होने के लिए हर सिने के अंदर पावर स्टार पवन सिंह जैसा ईमान होना जरूरी है। क्या बात है, पहला बार एक ऐसा नेता आया है जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, उनके दिल में जज्बा है कैसे काराकाट का विकास हो। भैया बोलिए, पवन सिंह के लिए एक शायरी कहेंगे कि पवन सिंह जिस मिट्टी में जन्म लिया ठंडा पानी दिया मिट्टी को बिहार कहते हैं, और काराकाट में सच में जो विकास कर सकते हैं उन्हें पवन सिंह पावर स्टार कहते हैं, पवन सिंह पावर स्टार कहते हैं, क्योंकि हजारों फूलों को मिलाकर एक हार बनता है, छतियों को मिलाकर एक हार बनता है, और सभी जाति धर्मों को मिलाकर पवन सिंह पावर स्टार के लिए बहुत बहुत प्यार बनता है, प्यार बनता है। और गाएंगे पवन सिंह के लहर बा गांव गांव रे, अरे पवन सिंह के लहर बा गांव गांव रे, अरे पवन सिंह के लहर बा गांव गांव रे, देख के विरोधी करे कांपा रे, पवन सिंह के लहर बा गांव गांव रे, पवन सिंह के लहर बा गांव गांव रे, देख के विरोधी करे कांपा रे। सारा जमाना सारा जमाना पवन सिंह का दीवाना, सारा जमाना पवन सिंह का दीवाना, जमाना कहे तुसे पवन सिंह को जिताना, पवन सिंह को जिताना सारा जमाना। आहा, तो भैया गुल कभी गुलशन कभी गुलफाम है पवन, गुल कभी गुलशन कभी गुलफाम है पवन, एक अकेला होकर पूरे बिहार वासियों का शान है पवन, जान है पवन, प्राण है पवन। तो भैया आन है पवन, शान है पवन, अरे सच कहूं तो बिहार का हनुमान है पवन, हनुमान है पवन, लगा दीजिए जोरदार ताली लगाइए। तो भैया पवन सिंह के सम्मान में हम लोग आ गए हैं मैदान में, आप लोगों का प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, पवन भैया के लिए हम लोग आए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हर चौक चौराहे पे जा रहे हैं, हर जगह मेहनत कर रहे हैं, बस आने वाले चुनाव के लिए। चाचा बोलिए, जोर में बोलिएगा, नाम पूछिए, पहले नाम बोलिए, जमींदार सिंह। हाँ आगे बोलिए, पवन सिंह के लिए क्या आप कहना चाहते हैं? ठीक है भाई, पावर स्टार जीतेगा ना, करा सकते हैं, जीतेगा, आप बताइए भैया। हाँ जीतेंगे, कितना वोट से जीतेंगे? 1,00,000 वोट से। क्या बात है, आप बोलिए भैया। जीतेंगे, पवन सिंह जीतेंगे। कितना वोट से? 1,25,000 वोट से जीतेंगे। हवा के कहीं रोक लेगा की रोकी, जमकाला से नहीं, चुनावी बहर का अरे मजा लीजिए, अरे चुनावी बहर का मजा लीजिए, पवन सिंह जी को यहाँ से जिता दीजिए, पवन सिंह जी को यहाँ से जिता दीजिए। बोली बोली अरे काका काकी चाचा बाती रखी है तू यार, बोलो भाई सारा लाख से हो गए हो गए। अरे आई बटे काराकाट घूमे पवन वा मांगेला घूमी घूमी, आशीर्वाद मांगेला घूमी घूमी, आशीर्वाद मांगेला घूमी घूमी। इज्जत बचा दिया ना भैया। अरे पवन सिंह के अब की तू जीत ही हो काराकाट के भैया, अरे पवन सिंह के अब की तू जीत ही हो काराकाट के भैया। कैची के कैची से भैया सुधारण होगा, भैया कोई भी शुभ काम में कैची का सुधारण होता है और कैची से काटना पड़ता है, लकीर खींच देने बारे, लकीर खींच देने बारे भाई। पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन जोर से बोले भैया, पवन सिंह को जिताना है ना, बोली बोली हला करके जोर से बोले, हला करो भाई कि मांगे ला घूमी घूमी, आशीर्वाद पहली बार
स्वर्ण जात एक होके और इस बार ईमानदार नेता का चुनाव हो रहा है जिसमें पवन सिंह का पहला नाम है। ताली एक बार भाई, ताली पब्लिक को पहला। कट नेता ने क्या चुनाव बेटा चुनाव हुआ कि जितना माई अपना बबुआ के दुलार दी ऐसन के प्यार दी हो। उनकर माई आशीर्वाद देने वाली और कारा काट से समर्पित कर देने वाली पवन सिंह के कह दे वाली पवनवा आप कारा काट पे समर्पित बा। आ है हमारे चाचा जी कुछ कहत वाली बोली लो चाचा आज मौका बा पवन सिंह का 1 लाख वोट से जीते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए एगो भाई 1 लाख का नहीं, एक को 1.5 लाख आ एगो 1.5 लाख तो सब मिला दी भैया 3.5 लाख पवन से जीते ये जोरदार ताली। और भैया देखा हमने के हर गाँव में बहुत सारे पार्टी के प्रचार कहने बन गए के बीजेपी के कहने ही जाए ज्यादातर हर जगह समर्थन मिलेगा लेकिन पवन सिंह खातिर हमने के प्रचार करत नहीं जा काराकाट लोकसभा में तो ऐसा समर्थन ऐसा प्यार मिल रहा बा कि हमके तो लगा था भैया कि इतिहास में निर्दलीय प्रत्याशी उतना भोट से ना जीतल हुई जितना भोट से पवन से जीती हम एकदम सही में कहते भैया बहुत सारा प्रचार करे बनी ऐसा प्यार गांव गांव गली गली मोहल्ला मोहल्ला में पवन सिंह खातिर जो मिल रहा बा उतना प्यार कभी केवनो नेता खातिर ना मिल रहा बा। यही से निवेदन भैया कि पवन सिंह के अब की तू जीतई हो कारा काट के भैया पवन सिंह के अब की तू जीतई हो कारा काट के भैया कैची पे तू बटन दबई हो कारा काट के भैया। आशीर्वाद मिली भैया बहुत जोरदार ताली हो जाओ भैया।